उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है 2027 तक भारत दुनिया की तीन टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, यह हर भारतीय को प्रफुल्लित करने वाला अवसर होगा। स्वाभाविक रूप से इसमें इंडस्ट्रीज की अपनी भूमिका है, और इंडस्ट्रीज की इस भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद अपनी जो परंपरागत पहचान थी उसको प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने का जो कार्यक्रम बनाया था वो हम सबके सामने है। हम सब जानते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आज यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए एक अभिनव योजना बनी है। हमने नाम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया है, लेकिन ये एमएसएमई को प्रमोशन की ही एक योजना शासन की है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी के लिए कोरोना कालखंड में कहा था वोकल फॉर लोकल। यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य की जो आधारशिला है वह आत्मनिर्भर भारत का है। आत्मनिर्भर भारत से एक विकसित भारत, और विकसित भारत की जो संकल्पना है उसकी आधारशिला कोई है तो वह हमारी परंपरागत उत्पाद जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, उत्तर प्रदेश ने उसका सरलीकरण करते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसके लिए सरकार ने अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। हम लोग देखते थे हमारे पास प्रोडक्ट है, और मैं आप सभी उद्यमियों से इस बारे में भी कहूंगा हमारा कंपटीशन किससे है, इसके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताना दिखाना। देखिए अगर आपके प्रोडक्ट के प्रति लोगों का विश्वास जागृत होगा तो लोग स्वयं उसकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आएंगे। उस क्वालिटी को देना, उसके साथ उसके उसको मार्केट से जोड़ने का प्रयास करना, मार्केट के कंपटीशन के अनुकूल हम अपना प्रोडक्ट भी दे सकें, लेकिन साथ साथ जो दिखता है वही बिकता भी है, यानी उसकी पैकेजिंग भी इस तरीके से आप करिए कि वह लोग उसको प्रोडक्ट को बाद में देखें, पहले पैकेजिंग को देखें, जिसमें हम अक्सर फेल होते थे। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, भारत सरकार के साथ सहयोग करके उत्तर प्रदेश पैकेजिंग इंस्टीट्यूट की एक यहाँ पे स्थापना को करके कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश के अंदर और भी जो इस फील्ड में हम लोग नया कर सकते हैं इसके लिए एक नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं, और उस दिशा में हम लोग विश्वास करते हैं कि राज्य सरकार मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के उद्यमियों की सुविधा को और ध्यान में रख करके इसको और भी अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इंस्पेक्टर राज से मुक्ति के जो कार्यक्रम चले हैं, निवेश मित्र पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल, ऑनलाइन इंसेंटिव प्लेटफॉर्म, ये सभी उद्यमियों को प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं को विकसित करने के साथ साथ उनकी सुविधा के सरलीकरण के कार्यक्रम को भी तेजी से आगे बढ़ाने का एक अभियान है। हम सब जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बहुत खराब थी, लगभग 14वें स्थान पर थी आज से 6 वर्ष पहले, लेकिन सरकार ने उस समय कदम उठाए, व्यापक रिफॉर्म किए, ऑनलाइन सुविधाओं को विकसित किया। आज निवेश मित्र पोर्टल देश का, उत्तर प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 400 से अधिक क्लाइंट्स एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से आज के दिन पर हम लोग
एमओयू की पूरी कार्रवाई के क्रियान्वयन के लिए कैसे हमें आगे कार्य करना है, हम उस पोर्टल का उपयोग करके उससे लाभ ले सकते हैं। और निवेश होने के बाद आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ऑनलाइन इंसेंटिव प्लेटफॉर्म को भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिसके माध्यम से जिस निवेशक ने अपना निवेश कर लिया है उसको शासन से मिलने वाली इंसेंटिव का लाभ भी उसे समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो सके, उसके लिए भी उन्हें कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए सरकार के स्तर पर नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। भाइयों बहनों, ये सभी प्रयास जो सरकार के स्तर पर हुए हैं, चाहे वे रिफॉर्म के हों, चाहे वे परफॉर्म के हों, और चाहे वह प्रदेश के अंदर इन सबके लिए लैंड बैंक बनाने का कार्य हो या फिर बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल बनाने का, या उत्तर प्रदेश ने पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर जो कुछ भी किया है आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जब उत्तर प्रदेश कर रहा है, हमने फरवरी 2023 में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब आयोजित किया था, अब तक हमें उस क्रम में जो निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव की, आप याद करिए 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। आज जब हम उत्तर प्रदेश के किसी एक आयोजन को आगे बढ़ाते हैं, आपने देखा होगा अभी सितंबर माह में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया था, आप में से बहुत सारे उद्यमी वहां उस कार्यक्रम के साथ सहभागी बने थे, और उस इंटरनेशनल ट्रेड शो में आपने देखा होगा 70,000 तो उस पूरे कार्यक्रम में केवल बायर्स आए थे और टोटल आने वालों की संख्या 4 लाख थी, जिन लोगों ने 3 दिन के अंदर यानी 4 दिन के अंदर इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बनकर के सफलता की एक नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ाया था। ग्रेटर नोएडा का एक्सपो सेंटर, उसके जो 14 सभागार हैं, पहली बार उसमें इतनी एग्जीबिशन लगी हुई थी, इतनी एग्जीबिटर आए थे जिसमें लगभग 450-500 की संख्या में विदेशी भी थे, फॉरेन बायर्स भी थे और फॉरेन एग्जीबिटर, वहां फॉरेन बायर्स भी उस कार्यक्रम के साथ सहभागी बने थे। उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को देख करके सब आश्चर्यचकित थे, क्या ये कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में हैं? उनको आश्चर्य होता था इन सभी चीजों को ध्यान रख कर देख करके। लेकिन ये नया उत्तर प्रदेश है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर के, चाहे वह प्रदेश के अंदर दी जाने वाली किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा और सुरक्षा के बेहतर माहौल को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने दिशा में बेहतर प्रयास किए हैं। और मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे ये अपील करूंगा, हमें भी उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। याद रखना, आज का समय कंपटीशन का, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का है। इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अगर आप अपने आप को तैयार करेंगे, कोई कारण नहीं कि आप मार्केट में टिके रह पाएंगे, कोई कारण नहीं इसमें, क्योंकि पूरी दुनिया विश्वसनीयता की दृष्टि आज भारत की तरफ देख रही है और भारत में उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है, तो स्वाभाविक रूप से यह समय आपका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं, व्यापक रिफॉर्म किए हैं, आपने देखा होगा 46 वर्ष लगे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा को विकसित करने में, तब हमारे पास 33,000 एकड़ लैंड वहां उपलब्ध हो पाई और आज वो स्वरूप वहां का दिखता है। आज आप एनसीआर में चले जाइए, कहीं भी, दिल्ली हो या एनसीआर का कोई भी अन्य पार्ट, आपको उसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी, उन सबसे अलग और एक नयापन दिखता होगा उसमें, अन्य की तुलना में आप देखेंगे तो अन्य जगहों से लोग छोड़ छोड़ करके आज वहां आ रहे हैं। वर्तमान में हम लोगों ने झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र में भी एक नए औद्योगिक संस्थान के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को बसने में लगे 46 साल
और कुल 33,000 एकड़ लैंड वहां के लिए उपलब्ध हो पाई थी। झांसी बुंदेलखंड के लिए हमारे पास पहले ही चरण में 38,000 एकड़ लैंड उपलब्ध है, जिस पर हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। 46 वर्ष लगे हैं वहां पे एयरपोर्ट बनाने के लिए। जब हमारी सरकार आई तो हम वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बना रहे हैं, जो अगले वर्ष फरवरी तक हमारा प्रयास है कि वहां पे पहली रनवे को हम प्रारंभ कर दें। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र जो बनेगा, इसमें पहले चरण में ही 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हम एयरपोर्ट भी देने जा रहे हैं। वहां पे हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी स्थापित हो रहा है। वहां पे तमाम अन्य प्रकार की, यानी भारत डायनेमिक्स ने पहले से वहां पे अपना निवेश प्रारंभ कर दिया है, और भी अन्य निवेश की संभावनाएं तेजी के साथ वहां आगे बढ़ी हैं। और मैं आपका आह्वान करूंगा कि प्रदेश के अंदर तो हर जिले में इस प्रकार की संभावनाएं हैं कि जहां पे आज के दिन पे लैंड बैंक की समस्या भी नहीं है और वहां पे सुरक्षा की भी कोई समस्या नहीं है। यूपी के अंदर आज के दिन पर आप किसी भी सेक्टर में निवेश की इन संभावनाओं को तलाश करके न केवल अपनी पूंजी को बल्कि स्वयं की सुरक्षा को भी आगे बढ़ाने में आपको काफी मदद उत्तर प्रदेश के अंदर मिल सकती है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इसी बात को कहना चाहूंगा, सरकार टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना चाहती है, आपकी हर समस्या का समाधान भी करना चाहती है। और सरकार का हर प्रकार का, जैसे पिछले 6.5 वर्ष के अंदर आपका रहा होगा कि 6.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा किसी भी स्तर पर बिना किसी बैरियर के हम इस पूरी व्यवस्था को लेकर के चले हैं। आगे भी सरकार के स्तर पर इस प्रकार के सहयोग की मैं आपके प्रति आपको मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार का यही सकारात्मक सहयोग इंडस्ट्री को, उद्यमियों को और यहां के सभी बिजनेसमैन को प्राप्त होगा। लेकिन साथ साथ मैं आपसे भी इस बारे में अपील करूंगा, हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें कि सरकार के साथ मिलकर के एक सकारात्मक माहौल बनाने में जो आपने योगदान दिया है। आज हमें IIA, CIA या इस प्रकार के जितने भी जो संगठन है, औद्योगिक संगठन है, इनके द्वारा जितने जो भी हम लोगों के साथ मिलकर के अलग अलग तरीके से सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद दी जाती है। और हम भी चाहते हैं कि सरकार के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों आगे बढ़ाना, कहीं कोई समस्या है तो उसके समाधान का एक मैकेनिज्म तैयार होना, कहीं पे आपको लगता है कि ये बैरियर बन रहा है, उस बैरियर को हटाने का काम सरकार का है। लेकिन सरकार प्रदेश की इकोनॉमी को तेज करने के लिए और इंडस्ट्री को वहां पे लोकल स्तर पर रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ने के लिए भी, अगर हम अपने स्तर पर लोकल इंस्टीट्यूशन को अपने साथ जोड़ सकें, इंडस्ट्री के साथ जोड़ सकें, तो आपको सस्ता मैन पावर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता हुआ दिखाई देगा। और इस पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से काम किए जाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने इस वर्ष सितंबर महीने में जो इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया था, मैं आप सबको इस बात के लिए फिर आश्वस्त करता हूं, 2024 में भी हम लोग सितंबर माह में ही इस प्रकार के इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। मुझे अभी तत्काल गोरखपुर जाना, आज गोरखपुर में भी एक ट्रेड शो है, वहां पर भी लगभग मेरा अनुमान है कि काफी बड़ी संख्या में, जो मुझे अभी तक बताया गया है कि काफी बड़ी संख्या में एग्जीबिटर पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा वहां पर एक आज गोरखपुर में गीडा की गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है उसका आज स्थापना दिवस है। उसके स्थापना दिवस के अवसर पर आज वहां पे भी एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन वहां लगी हुई है। उस एग्जीबिशन में काफी एग्जीबिटर वहां पहुंचे हुए हैं और वहां पे भी काफी बड़ी संख्या में उद्यमी आज एकत्र हुए हैं उस कार्यक्रम के लिए जाने के कारण। मैं आपके यहाँ, मैंने इसीलिए अपने MSME मिनिस्टर को पहले यहाँ भेज दिया था कि इस कार्यक्रम, हमारी विधानसभा भी चल रही है और ये भी हमारा सप्लीमेंट्री डिमांड इसी शीतकालीन सत्र में आने के नाते विधानसभा की भी अपनी व्यस्तता है। तो इस अवसर पर मैं आप सबको इस बारे में कहूंगा कि सितंबर 2024 में फिर इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए अभी से आप लोग अपनी तैयारी करिए। जैसे इस बार आपने देखा होगा
कि इंटरनेशनल बायर्स भी बड़ी संख्या में आए थे, ऐसे ही हमारा प्रयास होगा कि अगले वर्ष भी काफ़ी बड़ी पैमाने पे देश और दुनिया के बायर्स इस अवसर पर उपस्थित हों, इन कार्यक्रमों के साथ एक सफलतम आयोजनों के साथ जुड़ें। और फिर केवल नोएडा ही नहीं, प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आगरा है, वाराणसी है, प्रयागराज है, या फिर बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के 150 हों जिससे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। प्रदेश में हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, खासतौर पर हम लोगों का पहले से इस पर फोकस भी है और प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के पहले भी इस बारे में आह्वान किया था कि लोकल प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। और हम लोगों ने पहले से भी यहाँ से शासनादेश जारी किया है, आज यहाँ पे मुख्य सचिव भी हैं, मैं मुख्य सचिव महोदय से भी इस बारे में कहूँगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि शासकीय क्रय की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्थानीय प्रोडक्ट को हम प्राथमिकता दें और कम से कम 25% की लिमिट को तो हम प्रभावी ढंग से उसको लागू करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। वैसे भी हमें हमारा प्रयास होना चाहिए, अगर लोकल इंडस्ट्रीज को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, बस शर्त यह है कि क्वालिटी वे दें, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। और स्थानीय स्तर पर अगर हम उन्हें अन्य सुविधाएं दे रहे हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि लोकल स्तर पर रोजगार के लिए भी हम उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कहें कि लोकल इंस्टीट्यूशन को वे जोड़ सकें, अच्छा मैन पावर मिलेगा। और अब तो सरकार ने बहुत सारी स्कीम, यानी पीएम इंसेंटिव की, पीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी आई है और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी आई है, जिसमें अगर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए उन छात्रों को अपने साथ जोड़ती है, आपको हैंड्स मिलेंगे काम करने के लिए, लेकिन साथ साथ मानदेय देने में केंद्र और राज्य सरकार भी आपको आधी मदद कर देगा। तो आपके पास तो एक आपकी आपके पास एक एक वर्ष के लिए कुछ लोग मिलेंगे कार्य करने के लिए, आपने उसके बाद उसको मानदेय देने के बाद एक वर्ष के बाद आप उसको सर्टिफिकेट देकर के जाएंगे, उसके पास एक एक्सपीरियंस होगा आपके यहाँ कार्य करने का, लेकिन साथ साथ आपके मानदेय के आधे लोड को सरकार स्वयं ले रही है। हमें इन सभी योजनाओं का लाभ भी लेना है। एनसीआर से जुड़े हुए जो मामले हैं कि एनसीआर में जो एनजीटी के कारण या कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM के द्वारा जो वहां पे तमाम जेन सेट को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, मेरी आपसे अपील है, सरकार ने वर्तमान में बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाया है, खासतौर पर ई बिलिंग को भी, और इसमें हमने सोलर पॉलिसी के अंदर, रूफटॉप सोलर पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने वहां पर जो व्यवस्थाएं दी हैं उस व्यवस्था का भी लाभ अगर आप ले सकेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वहां पर जितनी आपकी बिजली की खपत इंडस्ट्री के लिए होगी उसमें भी आपको मदद मिलेगी, और साथ साथ पॉल्यूशन की समस्या का समाधान निकालने की दिशा में मैं एमएसएमई विभाग से कहूंगा कि एक बार पावर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के वहां पर जो हमारी पॉलिसी चल रही है उस पॉलिसी को कुछ हम लागू कर चुके हैं, होम बायर्स के लिए हम लोगों ने लागू कर दिया है, इंस्टीट्यूशन के लिए लागू कर दिया है, इंडस्ट्री के लिए भी हम लोगों ने उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है कि कॉमर्शियल और इंडस्ट्री के लिए भी इस दिशा में आगे प्रयास करें, तो इस पर भी वे कुछ नए प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो इस पर भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ा लें। ये कुछ चीज़ें थी जिन पर आप लोगों की ओर से, आप लोगों को मुझे सरकार की तरफ से अपनी बात को यहाँ पे रखना था। मुझे पूरा विश्वास है कि यह उद्यमी सम्मेलन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और प्रदेश के अंदर एक बेहतर औद्योगिक वातावरण बनाने में, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर को और बूस्टअप करने में यह मदद करेगा। इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में बहुत प्रगति की है और जो आगे की संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में यह हमें मदद कर पाएगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।